जो भाषाओं को देखा, मैंने भाषाओं में दो चीज देखी, सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश एक्सेंट से निकले हुए जो अल्फाबेट्स, क्योंकि जैपनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सबके पास, क्योंकि यूरोप में थे ये, इन सब ने अल्फाबेट्स ले लिए अंग्रेजों से, बाकी लोगों ने हमसे लिए। अब हुआ क्या कि पूरे संसार में दो तरह की भाषाओं के सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैं खाना खाता हूँ, एक तो ये हो गया, एक अंग्रेजों वाला स्टाइल, मैं हूँ खाता खाना। मैंने कहा दो बातें याद करनी है, कोई बड़ा किस्सा नहीं है। जो हमारे वाले कंसेप्ट हैं, जो ऐसे ईस्टर्न कंट्री वाले हैं, वो सब्जेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, तो जैपनीज बोलेंगे मैं को बोलते हैं वातासी, खाने को बोलते हैं ताबे मानो, और खाते को बोलते हैं ताबे मास, खाना खाता, देखो है ना इंफिनिटी। तो हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, और जैपनीज बोलते हैं वातासी ताबे मानो ताबे मास का, खत्म कहानी। और वही अगर अंग्रेज को बोलना हो तो आई एम, पहले वो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, ईटिंग फूड। तो दो ही कंसेप्ट देखने, बस हम सब ने क्या करा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, और गोरों ने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, इतना किस्सा है, और कोई किस्सा नहीं था। बच्चे धड़ाक से सीख गए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप स्कूल आएंगे ना, मेरे स्कूल में इंग्लिश की किताब नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, हम मेरे जैसे जो आती नहीं इंग्लिश, हमें भी कमी आती है, हम मालिक हैं तो लोग बोलते नहीं है कि भाई इंग्लिश में बोलो, लोग थोड़ा मान सम्मान कर लेते हैं, टीचरों को पूछता ही नहीं है, मैं सीधा बच्चों से मिला लेता हूँ, मैं कहता देखो बच्चों को आती है, हमें नहीं आती। और रियली सर मेरे स्कूल में विजिट करके आए हैं, मैं बड़ा गौरवान्वित इस बात से कि सर मेरे स्कूल में विजिट करके आए हैं, चंचल जी, गोविंदाचार्य जी, और बड़े बड़े एम्बेसी के डिप्टी एम्बेसडर, और ऐसे अनाड़ी स्कूल में तो हमको भी जाना चाहिए। नहीं स्वामी जी, आपका हमेशा स्वागत है, मैं तो चाहता हूँ हर जगह, हम बच्चों से बोलते हैं बेटा 26 अल्फाबेट ले रहे हैं बेचारे अंग्रेज, उसे 5 मात्राएं हैं, 26 में 5 मात्रा रह गई, 21 उनके पास अल्फाबेट्स रह गए, और हमारे पास तो 52 हैं, और 52 में भी आगे पीछे का सिस्टम है मात्राओं में, छोटी बड़ी ये। मेरे पास लोग एडमिशन के लिए बड़ी सिफारिश लेके आते हैं, सर एडमिशन कर दो, छोटा बच्चा है, मैं कहता हूँ चिंता ना कर, इस 26 में से 5000 साल तक एक भी कम नहीं होने दूंगा, तो जा अगले बार कोई नया तरीका ले आऊँगा, कम नहीं होंगे, सारे ऐसे ही रहेंगे तेरे अल्फाबेट जितने भी हैं। असल में क्या है, इंग्लिश बहुत आसान है, उससे आसान भाषा ही कोई नहीं बनी आज तक संसार में, अपनी भाषा बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने स्कूल में प्रयोग करके दिखाता हूँ, हमने 2 साल में पूरी 10वीं खत्म करने का सिस्टम बना दिया है, पूरी 10वीं 2 साल में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 1 साल बाद 12वीं और 1 साल बाद BSc, क्योंकि हम ये चक्कर में है कि पहले BSc कर लें फिर 12वीं करें, सर हम इस चक्कर में, क्योंकि BSc आसान है 12वीं के मुकाबले में। हमने, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, हमने अपने 8वीं के बच्चे उठाए, और एक यूनिवर्सिटी है हमारे द्वारका साइड में, उनके MA, क्योंकि MA से बड़ी क्लास नहीं होती, हमने कहा अपने ब्रिलियंट ले आइए और मेरे कमजोर ले लीजिए, किताब MA की होगी, शर्त ये होगा आधा घंटा ये किताब इनको देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना आता है इनको आता है बच्चों को, और आधे घंटे बाद कंपटीशन करा के देखिए, वो MA के बच्चे हमें हारते हुए नजर आए थोड़ी देर बाद। ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने मेरे बाद बहुत लोगों ने बड़े बड़े कॉलेजों में करके दिखाया, तो ये पॉसिबल है। छोटे बच्चे को सिखाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत की पके हुए दिमाग को सिखाना, और हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है। मैं स्वामी जी से विनती करूँगा, डॉक्टर साहब से भी और सभी से, कि जब मर्जी आए, मैंने अपने स्कूल को आज तक ले खुद नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल स्टडी पढ़ाते नहीं है, करवाते हैं, हमारे यहाँ सोशल स्टडी पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल को बच्चे चलाते हैं, जो बच्चे स्कूल दिखाते हैं वो MP होते हैं, क्लास के जो हेड होते हैं वो MLA होते हैं, फिर लाइन के हेड होते हैं वो काउंसलर होते हैं, हर लाइन में एक जज होता है, और स्कूल के अंदर 16 मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो हर महीने चेंज होते हैं, और ये गारंटी है कि वो बच्चा रिपीट नहीं होगा दोबारा जब आप कभी आएंगे। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, हमने कहा आप चिड़ियाघर गए हो, चिड़ियाघर में जानवर होते 500-700, आने वाले होते 5000, जानवर देख रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं ये कौन सा बंदर, नया बंदा आया देखने के लिए हमारे को, वो डिस्टर्ब नहीं, आप डिस्टर्ब हो रहे होते, उनको तो एक्सपोजर मिल रहा होता है। हमारे यहाँ बच्चे आपसे जब डिस्कस करते हैं तो वो सीखते हैं, आप सीखो ना सीखो हमें क्या लेना देना। तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम चलता है इस बारे में, लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट रहे। मैं डॉक्टर साहब क्योंकि विजिट करी अपने देश में, तक्षशिला, नालंदा जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो श्रवण मनन निध्यासन पर थी, मगर निध्यासन का मतलब था अपने व्यवहार में उतारना, मगर उसके बाद क्या, उसके बाद की खोज पर काम नहीं हुआ। मैंने अपने स्कूल में इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और अमेरिकन यूनिवर्सिटियाँ आई इस चीज़ को लेने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कुछ सीखा, हम कहते हैं ताजमहल किसने बनाया ये तो पता लग गया, इस आदमी को अब नौकरी मिलने वाली भी नहीं है,
ताजमहल किसने बनाया, ये तो गूगल पे भी आ जाएगा, मगर बनाया तू क्या करेगा ये तो गूगल पे नहीं आएगा। ताजमहल क्योंकि आज जमाना इंफॉर्मेशन के लोड इन का है और गूगल ऐसे आइटम है कि उस पर हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सवाल ये कि अब कोई इस आदमी को नौकरी नहीं देगा जो ये बता देगा कि ताजमहल किसने बनाया या सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, इस पर नौकरी नहीं मिलेगी। आप सुपर कंप्यूटर से क्या करेंगे, इस पर नौकरी मिलेगी। धन्यवाद, इतना ही समय।